नमस्कार। गुड इवनिंग। जब कहा कि एक बहुत बड़ा डिग्निटरी यहाँ पर आया है, मैं इधर उधर देखने लग गया वो कौन है। मैं तो नहीं हूँ, बाकी लोग हैं। दैट इंक्लूड्स माई वाइफ ऑल्सो। डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई, अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मिनिस्टर एंड ही हैंडल्स 3 मिनिस्ट्रीज, ऑल आर वेरी क्रिटिकल। 1 आयुष एंड वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एज चेयरमैन राज्यसभा, आई हैव सीन हिज पैशन, हिज मिशन, हिज कमिटमेंट एंड हिज स्पीच, यू वुड हैव नोटिस्ड, इज वेरी रिवीलिंग। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ही अनफोल्डेड ऑल द इनोवेटिव स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। माई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी इज अ सेक्रेटरी फॉर अ वेरी वेल वेरी लॉन्ग टाइम, विच मीन्स काफ़ी यूजफुल हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। जयपुर से आपका नाता पुराना है। मेरी पहली मुलाकात आपसे जयपुर में हुई थी, मैं पेशेंट और ये डॉक्टर। I am personally grateful to him that one day he came to me and told me I will be the chief guest at International Yoga Day at Jabalpur. Our Honorable Prime Minister at that point of time was out of the country and was having a similar event at United Nations with participation of several country personnel. उसका एक फायदा हुआ, मैं योगा अब लगातार करता हूँ। यू हैव एन एक्सेलेंट वाइस चांसलर संजीव शर्मा जी। वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाए, बट आई वॉज लुकिंग एट दी स्क्रीन, ही दीज आर नॉट वर्ड्स, दीज आर अचीवमेंट्स। He was focusing not on rhetoric but ground reality. You are lucky to have such a vice chancellor whose eyes are on the ground and takes care of your future. I assure him I will carefully go through his entire address. I was very deeply interested. And one last course which is yet to be started, he hurried because there was a slip given to him. We all are victim of time shortage. I am also victim. I would want to take more of your questions than to engage in a debate. Shrimati Meeta Kotecha ji, Pro Vice Chancellor, Professor A. Ramamurthy, Registrar, members of the faculty, staff, and most important, my dear students, मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ gender balancing काफ़ी है, and that's very good, you see. दुनिया भर में health sector के अंदर जब बेटियों को देखता हूँ, आपके gender का डंका बज रहा है। I am looking forward to interactive session. इसलिए मैं बहुत ब्रीफली बात कहूँगा, क्योंकि कोटेचा जी ने, माननीय मंत्री जी ने और वाइस चांसलर जी ने विस्तृत रूप से आपको सब कुछ बता दिया है। पर पहला सुख निरोगी काया, ये पुरानी कहावत है, सदियों से कहते आ रहे हैं। पर इसके साथ एक और कहावत है, हींग लगे न फिटकड़ी, रंग चौखो आवे। ये आप कर रहे हैं। एलोपैथी के अंदर जाओ
तो रंग चोखो को नहीं आवा है, थोड़ा साइड इफेक्ट होता है. दैट इज वॉट यू आर डूइंग. जब अपनी संस्कृति को देखते हैं, वेन वी रिफ्लेक्ट ऑन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ सिविलाइजेशनल इथोस, नॉट मैनी कंट्री कैन ले क्लेम टू सच अ फेम, 5,000 ईयर्स एंड मोर. एंड वेन वी लुक एट अथर्वेद, ज्ञान का भंडार है स्वास्थ्य के लिए. हजारों साल पहले क्या कुछ नहीं कहा गया, और कोविड ने दिखा दिया कि कितना सार्थक है. एज गवर्नर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मेरे पास राजस्थान से, लाडनू से, पाली से लोगों ने कहा हमारी किट का बड़ा उपयोग होता है, वो सार्थक हुए. इट वॉज द मोस्ट इम्पैक्टफुल कॉन्ट्रीब्यूशन इन टैकलिंग कोविड, एंड दैट इज वॉट यू आर लर्निंग नाउ. हेल्थ सेक्टर में जितना किया गया है उसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी. आई वॉज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट इन 89, इलेक्टेड टू लोकसभा फ्रॉम झुंझुनू. आई वॉज अ मिनिस्टर, मैंने हालात देखे थे तब. सपने में नहीं सोचा था कि देश आज इस मुकाम पर होगा, सोचा ही नहीं था. चंद्रयान की बात कही गई, पूछेंगे शिव शक्ति कहाँ है तो बताना पड़ेगा चांद पर है. शिव शक्ति कब निश्चित हुआ बताना पड़ेगा 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रयान 3 वहां उतरा. पूछा जाएगा इतिहास में आगे चलकर तिरंगा कहां है चांद पर, पता लगेगा चंद्रयान 2 वहां गया था. इसलिए यह बदलते हुए भारत की तस्वीर है. योगा हमारे हजारों साल की देन है दुनिया को, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस को आह्वान किया कम से कम समय में दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों ने इसको समर्थन दिया. ये अपने आप में एक मिसाल है. और आज योगा डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है. एवरी कंट्री, एवरी ज्योग्राफिकल लोकेल, ये भारत की देन है. जब मैं आपका एग्जीबिशन देख रहा था तो एक जगह देखा मिलेट. हम भूल गए थे मिलेट को, मिलेट की क्वालिटीज भूल गए थे. मिलेट हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना आवश्यक है भूल गए थे. प्रधानमंत्री जी ने विश्व को आह्वान किया, यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया, और माननीय मंत्री जी ने हमें पार्लियामेंट में बहुत शानदार भोजन कराया जो पूरा मिलेट आधारित था. ये मैंने बाहर भी देखा है. स्वास्थ्य को लेकर परिवार में चिंता स्वाभाविक है, और हर कीमत पर अपने इलाज कराना चाहते हैं, पर अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, डगमगा जाती है. कुछ तो बीमारियां ऐसी हैं जिनकी जानकारी होते ही पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है. प्रधानमंत्री जी ने दूर सोचकर, ही हैड अ विजन इज इन माइंड, ही टुक इट एज अ मिशन, एग्जीक्यूटेड इट, एंड दैट इज आयुष्मान भारत. आयुष्मान भारत अफोर्ड्स मेडिकल फैसिलिटी ऑफ अनप्रेसिडेंटेड स्केल टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन द प्लेनेट. और इसका फायदा है, बिकॉज ऑफ दिस देयर हैज बीन जियोमेट्रिक ग्रोथ ऑफ मेडिकल एजुकेशन, पैरामेडिकल कोर्सेज, डायग्नोस्टिक लैब्स एंड ऑल ऑफ द सिचुएशंस. कहने का मतलब है
कि हिंदुस्तान के विकास का डंका दुनिया में यहाँ तक बज रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है बेशक इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट ऑफ इकोनॉमी, इंडिया इज अ ग्लोबल फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। और क्यों नहीं, सैकड़ों साल पहले तो हम प्राकाष्ठा पर थे और सितंबर 2022 में क्या कीर्तिमान हासिल किया, उनको पछाड़कर जिन्होंने सैकड़ों साल तक हम पर राज किया। वी बिकेम द फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, विल बी द थर्ड लार्जेस्ट दिस डिकेड। ये उपलब्धि है। मैं किसान परिवार से आता हूं, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कृषक पुत्र कहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मैं देखूंगा मेरे जीवन काल में जो मैं देख रहा हूं। 11 करोड़ किसानों को हर साल 3 बार साल में सीधा पैसा मिलता है। अब तक ये 2,50,000 करोड़ के करीब है। मैं इस अमाउंट पर नहीं जा रहा, मैं इस बात पर जा रहा हूं कि आज के दिन जिस परिवार से मैं आता हूं उस परिवार के करोड़ों लोग इतने सक्षम हो गए कि सरकार का पैसा सीधा अकाउंट में लेते हैं। देने वाले की ताकत समझ में आती है, लेने वाले की देखिए। आज का किसान टेक्नोलॉजिकली इतना युक्त हो गया है कि बिना बिचौलिए के वह पैसा प्राप्त कर रहा है। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। दुनिया के मापदंड पर जब देखते हैं, जिसको हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कहते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र का मतलब बिना मिडलमैन के, बिना बिचौलिए के, बिना कटौती के, बिना कट मनी के, जितना पैसा जाएगा उतना ही आपको मिलेगा। ये दुनिया के अंदर चालू हो गया है। बट आवर भारत फ्रेंड्स, बॉयज एंड गर्ल्स, अकाउंट्स फॉर 46% ऑफ ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स, 46%। और हमारे ट्रांजेक्शन्स का वॉल्यूम क्या है, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, सबको इकट्ठा कर लो और 4 से गुना कर दो तो भी हमारा ज़्यादा है। सोचा था कभी ऐसा होगा? हर भारतीय में आपको एकलव्य मिलेगा। एकलव्य का मतलब वो शिक्षा प्राप्त उस गुरु से कर रहा है जो गुरु उसको दे नहीं रहा है। एवरी इंडियन इज एकलव्य। गो टू द इंटरनेट यूसेज। हमारा पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन अमेरिका और चाइना दोनों को मिला लो तो भी उससे ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग फिर भी शंका व्यक्त करते हैं हमारी प्रतिभा पर, हमारी संस्थाओं पर, हमारे हिस्टोरिक फिनोमिनल ग्रोथ पर। उनकी अनदेखी मत कीजिए, उनकी काट कीजिए। इफ यू आर कन्विंस्ड द कंट्री इज ऑन द राइज एज नेवर बिफोर, द राइज इज अनस्टॉपेबल। दुनिया में भारत का नाम अलग है आज के दिन। वो दिन लद गए जब भारत के पासपोर्ट की क्या कीमत होती थी। आज के दिन इंडियन पासपोर्ट सिंबोलाइजेस डिग्निटी, प्रेस्टीज, पावर। और यही कारण है कि दुनिया की कोई संस्था नहीं है जहां भारतीय अपना योगदान नहीं दे रहा हो। हम नहीं रहेंगे 2047 में। विधि का खेल है, नियति का खेल है, पर आप लोग भारत को, भारत है 2047, तब 100 साल आज़ादी के पूरे होंगे। आई हैव नो डाउट वी विल बी एट द टॉप। और ये मैं खुद देख रहा हूँ मेरी आंखों से।
मेरी विदेश यात्राओं में देख रहा हूं, दुनिया के करीब 40 देशों में जा चुका हूं, पर वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद जब गया, लोगों का मिजाज बदल गया। ये पता लगते हुए कि मैं भारत का उपराष्ट्रपति हूं, उनका मन बातचीत करने को करता है, विचार मंथन होता है। दैट्स अ बिग चेंज। बट हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है, जो पॉलिटिकल इक्विटी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी काम रहेगा, तभी सकारात्मक उपयोग में आएगा जब वो स्वस्थ रहेगा। यू आर देयर फॉर फुट सोल्जर्स फॉर टेकिंग भारत टू ग्रेटर हाइट्स बाय एंश्योरिंग हेल्थ ऑफ द पीपल एट लार्ज। एक बहुत बड़ी समस्या है स्वास्थ्य के मामले में। गांधी जी ने बहुत कुछ कहा, गंदगी मत करो, सफाई रखो, किसी वजह से हम ऐसा उसको ध्यान नहीं दे पाए। हम में से जो भी कोई विदेश जाता था, गाड़ी से केले का छिलका कभी बाहर नहीं फेंकता था, पर भारत की भूमि पर आते ही वो अपना विशेष अधिकार मानता था, केला खाया, शीशा नीचे किया, फेंक दिया। उस पर्वती पर भारत के प्रधानमंत्री के सोच की वजह से अंकुश लग गया है। लोगों को आश्चर्य हुआ, ये प्रधानमंत्री लाल किले से क्या बात कर रहा है। पर जब 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने अभियान चालू किया 2014 को, उसके परिणाम वहाँ पर हम सबको नजर आ रहे हैं। उसके बाद बात आगे बढ़ी है, हर घर में टॉयलेट होना, सोच ही नहीं सकते थे 130 करोड़ से ज़्यादा की जनता में ये कैसे संभव होगा। हाथ पैर फूल जाते हैं, संभव हो गया। हमारे समय बॉयज एंड गर्ल्स, वी यूज टू 50 गैस कनेक्शंस इन अ ईयर एज मेंबर पार्लियामेंट, 50 गैस कनेक्शंस, दैट वाज अ बिग पावर इन द हैंड्स ऑफ अ मेंबर पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री जी ने भारत की महिलाओं के आंसुओं को ध्यान में रखते हुए 15-17 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन दे दिए। कहाँ 50 कनेक्शन एक एमपी को एक साल में मिलते थे 89-91 में, और कहाँ ये दे दिए। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। इससे वीमन एम्पावरमेंट होता है, बच्चे को सुरक्षा मिलती है, शिक्षा पर महत्व दिया जा रहा है। यहाँ पर कहा गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, दोज बिग चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आपके कुछ क्वेश्चंस ले पाऊँ, और कंक्लूड करने से पहले कहूँगा, ऑलवेज कीप योर नेशन अबव एवरीथिंग एल्स। मेरा भारत सर्वोपरि, बी प्राउड इंडियंस। बी प्राउड इंडियंस, भारतीय होने का गर्व महसूस करो, एंड टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक अचीवमेंट्स, जिनको देखकर पूरी दुनिया स्टंड है। हम में से कुछ लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी का निदान आप अपने तरीके से कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी।